जिला के समीली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कबीर साहब आश्रम मठ मलेरिया के महंत मिथिलेश दास पर अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महंत को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समीली में भर्ती कराया गया। इस संबंध में महंत के द्वारा 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए पोठिया ओपी में आवेदन दर्ज कराया गया है। 11:30 बजे के करीब हम पूरी नींद में सो गए थे। एकाएक आकर के कुल्हाड़ी से कौन हमला किया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वह कुल्हाड़ी मटका ही है। अच्छा, हाँ, गर्दन में मारा कुल्हाड़ी? हाँ, मारा कि जान मारने के ही कि जान ही मार दो, इसको सीधा गला में मार दिया। हाँ, और प्रभु परमात्मा की कृपा से बच गया किसी तरह से। अच्छा, कौन के कौन लोग इसमें है, इसका कुछ जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन ये मठ में जो रखा हुआ सामान है, हाँ, वो मठ छोड़ करके किसी आदमी को जानकारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है आपको मारने का? हाँ, साजिश है मारने। क्या कारण हो सकता है, मठ का कारण है या जमीन का या पैसा जो का? हो हमारे पास अब जमीन जगह है, पैसा कौड़ी है, तो क्या करें आप, पता नहीं क्या लक्ष्य था उनका। एक तो रात में हुई ना 12 बजे, हाँ, क्या हुआ? वो शायद दौड़ते हुए आए, हल्ला करते हुए, उसको पीछे करते हुए, तब तक वो छत पे चढ़ के भाग गया सीढ़ी के देखे। गर्दन में क्या मार? गले में मारा था, मच्छरदानी हटा कर। किसी से? कुल्हाड़ी था, वो कुल्हाड़ी खुला हुआ था, उसका बेल्ट लगा हुआ नहीं था, वो कमरे के अंदर रखा था, वहीं का कुल्हाड़ी था, आश्रम का ही। कौन सा जगह का मामला है? कबीर मठ मलेरिया। क्या कारण हो सकता है हमला करने का? कारण तो बहुत है, एक गिनती नहीं है। क्या क्या कारण है? जमीन का भी विवाद है, धन संपदा का भी विवाद है, और लोगों को कई तरह के से आए हैं।